उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से हम लोग अपने चैप्टर नंबर 3 का एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। बेसिकली जो ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, अगर इसको पर्सनली जज करूं मैं तो ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि इसके इसमें अच्छे होने की सिर्फ एक खास बात है कि जो इसका क्वेश्चन को लिखने का लेवल है ना, मतलब इसके क्वेश्चन को लिखने का जो फॉर्मेट है वो बहुत अच्छा है। तो चलिए सीधा क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं और आइए, और तो कुछ करना नहीं है, सीधा क्वेश्चन ही करते हैं। चलिए पहले बेसिकली मैं, मेरी आदत क्या है, आप लोग अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते होंगे तो मेरी ये आदत है कि मैं किसी भी क्वेश्चन को करवाते वक्त पहले उसकी एक लाइन पढ़ता हूँ, फिर उसकी हिंदी समझाता हूँ, उसका मतलब समझाता हूँ, फिर लाइन पढ़ता हूँ, फिर मतलब समझाता हूँ, फिर लाइन पढ़ता हूँ, फिर मतलब समझाता हूँ। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर मैं पहले एक बार पूरे क्वेश्चन को पढ़ूंगा, पहले एक बार आपको पूरे क्वेश्चन को पढ़ के दिखाऊंगा आराम से, उसके बाद फिर उसकी एक एक लाइन को पढ़ूंगा और उसको यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ए साइक्लिस्ट आफ्टर राइडिंग ए सर्टेन डिस्टेंस स्टॉप्ड फॉर हाफ एन आवर टू रिपेयर हिज बाइसाइकल, आफ्टर विच ही कंप्लीटेड द होल जर्नी ऑफ 30 किलोमीटर एट हाफ द स्पीड इन 5 आवर्स। If the breakdown had occurred 10 km further off, he would have done the whole journey in 4 hours. Find where the breakdown occurred and his original speed. Ignoring the time he took off for the repair of the cycle. अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन की एक लाइन को समझिएगा। अगर आपने इसको डायरेक्टली पढ़ा, एक बार में पढ़ा, तो थोड़ा बहुत समझ आया, थोड़ा बहुत नहीं आया। तो जो थोड़ा बहुत नहीं आया उसके लिए हम लोग पूरा क्वेश्चन एक बार एक एक लाइन को करने वाले हैं, और जिसको कुछ भी नहीं आया उसके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है कि हम लोग एक लाइन पढ़ने वाले हैं, एक एक की हिंदी देखने वाले हैं। जरा देखिएगा। ए साइक्लिस्ट आफ्टर राइडिंग ए सर्टेन डिस्टेंस स्टॉप्ड फॉर हाफ एन आवर टू रिपेयर हिज बाइसाइकल। एक साइक्लिस्ट क्या करता है, कुछ दूर चलने के बाद आधे घंटे के लिए रुक जाता है अपनी साइकिल को रिपेयर करने के लिए। कहानी समझ आई? भाई मान लीजिए मैं साइकिल चला रहा हूं, तो मैं जब साइकिल चला रहा हूं तो मैं कुछ दूर साइकिल को चलाऊंगा, और साइकिल को चलाने के बाद जब कुछ दूर साइकिल मेरी चली जाएगी तो उसको चलाने के बाद मैं रुक जाऊंगा ताकि अपनी साइकिल को रिपेयर करा सकूं, कुछ खराब हो गया होगा उसको रिपेयर कर सकूं। आफ्टर विच, ये रिपेयर वगैरह करने के बाद, ही कंप्लीटेड द होल जर्नी ऑफ 30 किलोमीटर। ये होल जर्नी लिखा हुआ है, होल जर्नी का मतलब पूरी की पूरी जर्नी। साइकिल खराब हुई, उसने साइकिल को बनाया, आधा घंटा साइकिल बनाने में लगा, उसके बाद उसने जो पूरी की पूरी 30 किलोमीटर वाली जर्नी थी, पूरी 30 स्टार्टिंग से लेकर पूरी 30 वाली जो जर्नी थी, बीच में कहीं साइकिल खराब हुई होगी, मान लीजिए 10 किलोमीटर पर हो गई होगी, 5 किलोमीटर पर ही हो गई होगी, या घर से निकलते ही हो गई होगी, ये नहीं पता, लेकिन पूरी 30 किलोमीटर वाली जर्नी के बीच में कहीं पर साइकिल खराब हुई, उसने साइकिल को बनाया, और साइकिल को बनाने के बाद फिर उसने 30 किलोमीटर वाली जर्नी जो पूरी थी उसको कंप्लीट किया एट हाफ द स्पीड, अपनी स्पीड को आधा रख के, इन 5 आवर्स। और ये काम उसने यहां पर 5 घंटे में करा। अब इस कहानी को समझिएगा। मान लीजिए मैं हूं, मैं जो हूँ साइकिल चला रहा हूं, और मुझे जो यहाँ साइकिल चलाते हुए यहां से दिल्ली तक जाना है। मान लीजिए मैं साइकिल चला रहा हूं और मुझे साइकिल चलाते हुए यहां से लेकर लोनी से लेकर दिल्ली तक जाना है। अब अगर लोनी से दिल्ली जाना है तो जो लोनी से लेकर दिल्ली की डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर है, वो 30 किलोमीटर है। मैंने साइकिल चलाने स्टार्ट किया। अब साइकिल चलाते चलाते मान लीजिए मैं वजीराबाद के पास पहुंच गया, सिग्नेचर ब्रिज पे पहुंच गया। वहां पर जाने के बाद मेरी जो साइकिल है मान लीजिए वो पंचर हो गई। अब जब साइकिल पंचर हो गई तो उसको बनवाना था, तो मैंने उसको बनवाया और उसमें आधे घंटे का टाइम वेस्ट हो गया। अब पूरी की पूरी जर्नी, लोनी से लेकर दिल्ली की जर्नी 30 किलोमीटर थी, बीच में मान लीजिए मेरे को लोनी से लेकर करोलबाग जाना था, बीच में वजीराबाद में, दिल्ली के बीच में वजीराबाद में साइकिल जो है सिग्नेचर ब्रिज पे खराब हो गई, वहां पर पंक्चर हो गई, मैंने पंक्चर को बनवाया और वहां पर आधे घंटे का टाइम वेस्ट हो गया।
अब वजीराबाद से लेकर करोल बाग तक जाने में मैं जो भी डिस्टेंस बची है उसको ट्रेवल कर रहा हूं लेकिन हाफ द स्पीड। सेकंड लाइन के लास्ट में लिखा हुआ है 30 किलोमीटर एट हाफ द स्पीड। वो बची हुई डिस्टेंस को, साइकिल खराब होने के बाद वो जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उस बची हुई डिस्टेंस को वो अपनी स्पीड को आधा करके ट्रेवल करता है। भाई ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए मैं साइकिल चला रहा हूं, साइकिल चलाने के बाद मुझे कहीं पहुंचना था, बीच में साइकिल खराब हो गई, मैंने उसको बनवाया, तो अब मेरे मन में डर रहेगा कि वो साइकिल दोबारा ना खराब हो जाए, दोबारा ना पंचर हो जाए या कुछ उसमें और रिजल्ट हो जाए, ब्रेक वगैरह टूट जाए। तो उसके डर से बचने के लिए मैं अपनी साइकिल को हाफ द स्पीड, आधी स्पीड पर चला रहा हूं। अगर पहले मेरी साइकिल 50 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे चल रही थी तो अब खराब होने के बाद वो साइकिल 25 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे चलेगी। उम्मीद करता हूं इतनी कहानी समझ आई होगी। एक बंदा है, उस बंदे को 30 किलोमीटर दूर जाना है, बीच में कहीं पर उसकी साइकिल खराब हो गई, उसने वहां पर उसको बनवाया, उसको आधे घंटे का टाइम लगा बनवाने में। पहले वो कुछ साइकिल खराब होने से पहले वो जितनी भी स्पीड से चल रहा था, जितनी भी दूर गया फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइकिल को बनवाने के बाद वो अपनी स्पीड को आधा कर देता है और बाकी बची हुई डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। और ये पूरा का पूरा काम करने पे उसको 5 घंटे का टाइम लगा। ये पूरा काम, वो निकला, साइकिल खराब हुई, उसने स्पीड को आधा कर दिया, उतनी दूर गया, ये पूरा काम उसका 5 घंटे में हुआ। ऐसे ही अगली कहानी है, इफ द ब्रेकडाउन हैड अकर्ड 10 किलोमीटर फर्दर ऑफ। ब्रेकडाउन का मतलब खराब होना। अगर वो साइकिल 10 किलोमीटर आगे खराब होती, जैसे मान लीजिए पहले वो साइकिल 4 किलोमीटर दूर, मेरे घर से 4 किलोमीटर दूर खराब हो गई, तो अब 10 किलोमीटर आगे खराब होगी। 10 किलोमीटर आगे का मतलब अब वो 14 किलोमीटर दूर जाके खराब होगी मेरे घर से। कहानी समझ आ रही है? मान लीजिए पहले वो यहां से लेकर, मैं, मेरा ये वाला घर है, मैं यहां से लेकर यहां पहुंचा और साइकिल खराब हो गई, तो अब इस वाली कहानी में साइकिल 10 किलोमीटर आगे खराब होगी। मतलब यहां से पहले अगर यहां खराब हुई होगी तो अब यहां से 10 किलोमीटर आगे खराब हुई होगी। कहानी समझ आ रही है? पहले अगर वो वजीराबाद के आसपास खराब हुई होगी तो अब जाके वो सब्जी मंडी के आसपास खराब होगी। कुछ ऐसी कहानी है। ही वुड हैव डन द होल जर्नी इन 4 आवर। तो ऐसा करने पे अगर साइकिल 10 किलोमीटर आगे जाके खराब होती तो वो पूरी की पूरी जर्नी 4 घंटे में कंप्लीट कर देता, सिर्फ 4 घंटे में। पहले वो 5 घंटे का टाइम ले रहा था लेकिन अब वो सिर्फ 4 घंटे का टाइम लेगा। तो फाइंड वेयर द ब्रेकडाउन अकर, तो आपको बताना है कि उसकी साइकिल कहां खराब हुई थी एंड हिज ओरिजिनल स्पीड, और उसकी ओरिजिनल स्पीड क्यों क्या थी। उसने ओरिजिनल स्पीड क्यों लिखा? क्योंकि साइकिल खराब होने के बाद सामने वाला बंदा अपनी साइकिल को आधी स्पीड पर चला रहा है, तो ओरिजिनल स्पीड कैसे, कब थी, जब साइकिल खराब होने से पहले की, वो ओरिजिनल स्पीड थी, क्योंकि खराब होने के बाद तो उसने स्पीड को आधा कर दिया। अब ब्रैकेट में एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई है कि इग्नोर द टाइम ही टुक ऑफ फॉर द रिपेयर ऑफ द साइकिल। साइकिल को रिपेयर करने में जितना भी टाइम लगा आप उस टाइम को इग्नोर कर दो। जैसे समझना, पहली बार जब साइकिल खराब हुई तो 5 घंटे का, मेरे को मतलब 5 घंटे लगा लोनी से लेकर दिल्ली पहुंचने में, लेकिन बीच में आधा घंटा तो टाइम खराब हो गया था ना साइकिल के पंचर को बनवाने में, तो असली टाइम 4.5 घंटे का होता। लेकिन ये बंदा कह रहा है कि नहीं, आप वो आधा घंटा इग्नोर कर दो, आप तो पूरा 5 घंटे लेकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करो। या फिर दूसरी बार जब साइकिल 10 किलोमीटर आगे खराब हुई तो 4 घंटे का टाइम लग रहा है, बीच में पंचर हुई थी तो आधे घंटे का टाइम लगता, तो असली में 3.5 घंटे का टाइम लगा। तो ये कह रहा है नहीं, आप उस आधे घंटे को इग्नोर कर दो, पहली बार वाली कहानी में आप 5 घंटे लेके चलना, सेकंड बार वाली कहानी में आप 4 घंटे लेके चलना। साइकिल को बनवाने में कितना टाइम लगा कितना नहीं लगा फर्क नहीं पड़ता, इग्नोर करो। तो ये कहानी समझ आई आपको? अब अगर फिर भी थोड़ा सा डाउट है तो डायग्राम में बिल्कुल समझ आ जाएगा, बिल्कुल समझ आ जाएगा जब हम लोग यहां पर डायग्राम बनाने वाले हैं। तो समझिएगा, जैसे मान लीजिए एक बंदा साइकिल चला रहा है और वो यहां से लेकर यहां तक जाएगा, वो यहां से लेकर यहां तक जाएगा, ये उसका यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट है और ये उसका यहां पर डेस्टिनेशन है। मतलब उसको यहां से
उसको यहां से चलना है और यहां पर पहुंचना है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये उसका यहां पर डेस्टिनेशन है। और इन दोनों स्टार्टिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट, इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो यहां पर 30 किलोमीटर है। इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है, स्टार्टिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट के जो बीच की डिस्टेंस है वो यहां पर 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर की है। अब मेरे क्वेश्चन की कहानी शुरू हो रही है। क्वेश्चन वाले ने कहा कि आप घर से निकले, घर से निकलने के बाद आप चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं और बीच में आ गए। मान लीजिए आप यहां कहीं पहुंचे और आपकी साइकिल खराब हो गई, आप यहां कहीं पहुंचे और यहां पर आके आपकी साइकिल खराब हो गई। आप यहां पर आधे घंटे के लिए रुके अपनी साइकिल को रिपेयर करवाने के लिए। आपका घर ये था, आपको यहां जाना था, आप बीच में चलते चले गए, चलते चले गए और यहां कहीं आके आपकी साइकिल खराब हो गई और आपको उसे रिपेयर करवाने में यहां पर आधे घंटे का टाइम लग गया। अब ये साइकिल यहां खराब हुई है, यहां खराब हुई है, या बिल्कुल पहुंच के खराब हुई है, या घर से निकलते ही खराब हो गई है, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो बीच में कहीं खराब हुई है। अब वो बीच में कितनी दूर जाके खराब हुई है ये मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता वो बीच में कितनी दूर जाके खराब हुई है। तो मैं लेट कर लेता हूं, मैं क्या लेट करता हूं कि यहां से लेकर जो यहां तक की डिस्टेंस है वो एक्स किलोमीटर की है। हो सकता है वो 5 किलोमीटर दूर जाके खराब हो गई हो, या हो सकता है वो 20 किलोमीटर दूर जाके खराब हुई हो, या बीच में ही कहीं 9 किलोमीटर के आसपास खराब हो गई हो, पता नहीं। लेकिन कहां खराब हुई है नहीं पता, तो मैंने नाम दे दिया कि वो एक्स किलोमीटर दूर जाके खराब हुई है, एक्स किलोमीटर दूर जाके खराब हुई है। अब इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊंगा, जैसे समझना। मान लीजिए मुझे यहां से लेकर यहां तक जाना है और ये जर्नी के बीच की डिस्टेंस 30 किलोमीटर है। अब मेरी साइकिल 5 किलोमीटर दूर खराब हो गई, तो उसके बाद बाकी बची हुई डिस्टेंस कितनी है, 25 किलोमीटर। भाई पूरी जर्नी 30 किलोमीटर था, 5 किलोमीटर दूर खराब हो गई, तो बाकी बची हुई डिस्टेंस तो 25 किलोमीटर की बची ना। ये 25 कैसे आया, जब आपने पूरे के पूरे 30 में से 5 को माइनस करा, नहीं आया। एक बार और सुनो, मान लीजिए मेरे घर से लेकर आपके घर तक की डिस्टेंस 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर की है। मैं साइकिल को चला रहा था और मैं बीच में पहुंचा, मान लीजिए 20 किलोमीटर के आसपास मैं 20 किलोमीटर पे पहुंचा और मेरी साइकिल खराब हो गई। तो साइकिल खराब होने से पहले की जो जर्नी है वो 20 किलोमीटर की है, तो साइकिल खराब होने के बाद कितनी जर्नी बची, 10 किलोमीटर की। तो ये 10 किलोमीटर कैसे आया, जब आपने पूरे के पूरे 30 किलोमीटर में से स्टार्टिंग वाला 20 किलोमीटर माइनस कर दिया, तो आपको पता चल गया कि बाकी बची हुई डिस्टेंस 10 किलोमीटर की है। भाई पूरी की पूरी जर्नी में से इधर वाला पार्ट माइनस कर दो, इधर वाला पार्ट आ जाएगा। कहानी समझ आ रही है, पूरी की पूरी जर्नी में से इधर वाला पार्ट माइनस कर दो, इधर वाला पार्ट आ जाएगा। तो सोचो पूरी की पूरी जर्नी यहां पर 30 किलोमीटर की है, अब मेरी साइकिल एक्स किलोमीटर दूर जाके खराब हुई है, तो बाकी बची हुई कितनी डिस्टेंस मुझे ट्रेवल करनी है, पूरे की पूरी जर्नी में से इधर वाला पार्ट माइनस कर दो, पूरे के पूरे 30 में से इधर वाला एक्स माइनस कर दो, तो ये वाली डिस्टेंस आपके पास आ जाएगी 30 माइनस एक्स किलोमीटर। ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास 30 माइनस एक्स किलोमीटर। पूरा 30 था, इधर एक्स किलोमीटर दूर खराब हुआ, तो बाकी बची हुई डिस्टेंस 30 माइनस एक्स होगी। अब इस चीज को समझना, ये समझ आया ओके। अब साइकिल को रिपेयर करवाने से पहले, साइकिल को खराब होने से पहले वो बिल्कुल हवा में उड़ रहा होगा, बिल्कुल 100 किलोमीटर की स्पीड पे साइकिल को चला रहा होगा या 50 किलोमीटर की स्पीड पे साइकिल को चला रहा होगा। तो खराब होने से पहले वो साइकिल को कितनी तेज चला रहा था ये मुझे नहीं पता। मुझे क्वेश्चन में दो चीज नहीं पता, क्या नहीं पता जो उसने पूछा है, कि मेरी साइकिल कितनी दूर जाके खराब हुई है और मैं साइकिल को असली में कितनी तेज चला रहा था, ये दो चीजें नहीं पता। तो पहला काम तो हो गया कि साइकिल एक्स किलोमीटर दूर जाके खराब हुई है,
अगर एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा तो पता चल जाएगी कि साइकिल कितनी दूर जाके खराब हुई है। लेकिन दूसरी वाली कहानी में खराब होने से पहले मैं साइकिल को थोड़ी ना थोड़ी तेज तो चला रहा होऊंगा ना, तो वो कितनी तेज चला रहा हूं नहीं पता, तो मैं इसका भी नाम देने वाला हूं। साइकिल को खराब होने से पहले मैं कितनी तेज चला रहा हूं ये मुझे नहीं पता, तो मैं नाम देता हूं कि मैं वाई किलोमीटर पर आर की स्पीड से चला रहा हूं। मैं साइकिल को वाई किलोमीटर पर आर की स्पीड से चला रहा हूं। अब मान लीजिए मैं साइकिल को वाई का मतलब 50, वाई का मतलब मान लीजिए 50, मैं साइकिल को 50 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चला रहा हूं। अब चलाने के बाद मैं चलाता गया, बीच में जाकर कहीं साइकिल खराब हो गई, पंचर हो गई, कुछ भी हो गया, तो उसके बाद मेरे मन में डर बैठ गया और क्वेश्चन वाले की कहानी के हिसाब से अब आगे जाके रिपेयर करवाने के बाद मैं साइकिल को जितनी दूर चलाऊंगा, मतलब रिपेयर जहां मैंने करवाई वहां से लेकर जो आपके घर तक की डिस्टेंस है वो आधी है। आधी का मतलब समझ रहे हो कि अगर इधर वाली डिस्टेंस वाई है तो उधर आधी हो जाएगी, आधी का मतलब वाई बाय टू। अगर इधर मैं साइकिल को 50 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चला रहा हूं तो इधर जाके मैं साइकिल को 25 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलाऊंगा। अगर यहां 20 की स्पीड से चला रहा हूं तो यहां 10 की स्पीड से चलाऊंगा, क्योंकि मेरे मन में अब डर बैठ गया वो दोबारा भी साइकिल खराब हो सकती है, तो उस डर से बचने के लिए मैं साइकिल को अब आधी स्पीड पर चला रहा हूं। तो अगर पहले कोई साइकिल क्या मतलब मेरी साइकिल अगर पहले वाई किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी तो अब वही वाली साइकिल यहां पर वाई बाई टू की स्पीड से चलेगी, आधी स्पीड से चलेगी। अब सोचो साइकिल को खराब होने से, क्योंकि साइकिल को बनवाने में कितना टाइम लगा ये इग्नोर करना है, पहले मैंने डिस्टेंस नहीं पता था, एक्स नाम दिया, तो आगे की डिस्टेंस 30 माइनस एक्स, कितनी तेज चला रहा हूं नहीं पता, वाई नाम दिया, तो आगे की डिस्टेंस वाई बाई टू हो जाएगी। अब साइकिल बनवाने में कितना टाइम लगा इग्नोर करो, तो साइकिल खराब होने से पहले और साइकिल खराब होने के बाद जितना भी टाइम लगा होगा वो पूरी की पूरी जर्नी को कंप्लीट करने वाला टाइम है। मान लीजिए साइकिल खराब होने से पहले मैंने उसको 3 घंटे चलाया और साइकिल खराब होने के बाद मैंने उसको 2 घंटे चलाया, तो ये पूरी की पूरी जर्नी 5 घंटे में कंप्लीट हुई। ऐसा भी हो सकता था कि साइकिल को खराब होने से पहले मैं 1 किलोमीटर की स्पीड पे चला रहा हूं और साइकिल को खराब होने से पहले मैंने 1 घंटे का टाइम लिया और साइकिल को खराब होने के बाद मैंने 4 घंटे का टाइम लिया, तो पूरी की पूरी जर्नी 5 घंटे की आ गई। अब ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां से लेकर पहले वाली कहानी में लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर डेस्टिनेशन पॉइंट तक जाने में आपने 5 घंटे का टाइम लिया है, बीच में जो टाइम खराब हुआ आधे घंटे का आप उसको इग्नोर कर दो, पूरी जर्नी का टाइम 5 घंटे का है। तो ये 5 घंटे का टाइम कैसे आया? अगर आपको ये पता चल जाए कि साइकिल खराब होने से पहले कितना टाइम लगा, साइकिल खराब होने के बाद कितना टाइम लगा, तो दोनों को प्लस करने पर 5 घंटे आ जाएगा। तो यहां पर भी कुछ ऐसी कहानी है कि बिफोर रिपेयर आपको 2 चीजों का टाइम प्लस करना पड़ेगा, एक तो रिपेयर करवाने से पहले और एक रिपेयर करवाने के बाद। अगर आपको ये पता चल जाता है कि कितना टाइम लगा, रिपेयर करवाने से पहले कितना टाइम लगा, रिपेयर करवाने के बाद कितना टाइम लगा, और अगर आपने दोनों को प्लस कर दिया तो 5 घंटे आ जाएंगे। नॉर्मल सी बात है, मान लीजिए मैं साइकिल को चला रहा हूं 2 घंटे बाद जाके साइकिल खराब हो गई, तो आगे बची हुई डिस्टेंस मैं 3 घंटे में कंप्लीट करूंगा, क्योंकि पूरा डिस्टेंस कवर करने में क्वेश्चन वाले ने लिखा हुआ है मुझे 5 घंटे का टाइम लग रहा है। तो अगर 2 घंटे मैंने पहले खराब होने से पहले चलाया तो 3 घंटे खराब होने के बाद ही तो चलाऊंगा। तो वैसा ही रिजल्ट यहां पर है कि खराब होने से पहले आपने कितना टाइम लिया, खराब होने से बाद में आपने कितना टाइम लिया, अगर आपने इन दोनों को प्लस कर दिया तो आपके पास टोटल टाइम आ जाएगा 5 घंटे का। कहानी समझ आई? तो ऐसा ही रिजल्ट यहां पर है। अब हमें ये सोचना है कि भाई टाइम निकलता कैसे है, टाइम निकलता कैसे है? तो टाइम आपको तब मिलता है जब आप डिस्टेंस को डिवाइड करते हो स्पीड से। टाइम आपको तब मिलता है जब आप
डिस्टेंस को डिवाइड करते हो स्पीड से। अब खराब होने से पहले वाली डिस्टेंस को अगर आप खराब होने से पहले वाले टाइम से डिवाइड कर दोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। खराब होने के बाद वाली डिस्टेंस को अगर आप खराब होने के बाद वाले स्पीड से डिवाइड कर दोगे तो वो वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो जरा सोचो, खराब होने से पहले कितनी दूर चला मैं? खराब होने से पहले मैं एक्स किलोमीटर दूर गया, और कितनी तेज चला? वाई किलोमीटर की स्पीड से चला। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब एक्स अपॉन वाई, डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया स्पीड से। ऐसे ही प्लस, खराब होने के बाद सोचो डिस्टेंस कितनी है, 30 माइनस एक्स। भाई खराब होने के बाद डिस्टेंस कितनी है, 30 माइनस एक्स, और स्पीड कितनी है, वाई बाई टू। तो अगली बार आपको 30 माइनस एक्स को डिवाइड करना होगा वाई बाई टू से, और रिजल्ट आपका आएगा टोटल रिजल्ट आपका आएगा 5। इतनी कहानी समझ आई? अब जो सबसे वाला नीचे वाला 2 है उसको सबसे ऊपर भेज दो, तो x अपॉन में y प्लस 2 की मल्टीप्लाई में ऊपर दोनों में कर रहा हूं, तो 32 जा 60 माइनस 2 की x में करोगे तो 2x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आपका y लिखा हुआ है और राइट साइड में आपका 5 लिखा हुआ है। अब दोनों का जब आप y और y का, अच्छा वीडियो तो क्लियर आ रही है ना, एक सेकंड प्लीज। हाँ वीडियो बिल्कुल क्लियर है, मैं थोड़ा सा फोकस और कर दूं, नाउ इट्स फाइन। ओके आइए यहां पर वापस आइए। तो अगर आप y और y का एलसीएम लोगे तो वो y ही आएगा, तो y जो का एलसीएम आपके पास y आया, ऊपर की तरफ बचा x प्लस 60 माइनस 2x इज इक्वल टू 5। एक काम करो, y डिवाइड में जो है उसको वहां मल्टीप्लाई में भेज दो, तो ये आपके पास राइट साइड में 5y हो जाएगा, और यहां पर x में से 2x गया तो माइनस का x बचेगा, प्लस का 60 एज इट इज है। एक और काम कर सकते हो, माइनस x को उधर भेज दो तो प्लस का x हो जाएगा, यहां पर 5y एज इट इज और यहां पर 60 भी एज इट इज, ये आपके पास कहानी है। इसको थोड़ा सॉल्व करा। अब अगली वाली कहानी पर आता हूं। अगली वाली कहानी क्या थी कि अगर आपकी साइकिल 10 किलोमीटर फर्दर ऑफ आगे जाके खराब हुई होती, फर्दर ऑफ का मतलब आगे जाके खराब हुई होती, तो आपको टोटल जो टाइम लगता वो 4 घंटे का लगता। जरा सोचना, सेम यही डायग्राम दोबारा बनाना है। मान लीजिए मैं अपनी जर्नी को यहां से स्टार्ट करता हूं और यहां पर जाके उसको फिनिश करता हूं, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं और यहां पर जाके फिनिश कर रहा हूं। ये मेरा यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट है और ये मेरा यहां पर जो है वो डेस्टिनेशन पॉइंट है। इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो तो 30 किलोमीटर ही है, इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर ही है। मान लीजिए इस बार मैंने साइकिल को चलाया, पहले वो जहां भी खराब हुई होगी उससे 10 किलोमीटर आगे जाना है। अगर पहले वो 4 किलोमीटर दूर खराब हुई थी तो इस बार मेरे को 14 किलोमीटर आगे खराब करना है उसे। अगर वो पहले 15 किलोमीटर दूर खराब हुई थी तो इस बार मुझे 25 किलोमीटर आगे जाके खराब करना है उसे। तो मुझे ये कैसे पता चला कि साइकिल पहले कितनी दूर खराब हुई है? ये लिखा नहीं पता था, नाम दिया एक्स किलोमीटर दूर खराब हुई है। तो अगर पहले साइकिल एक्स किलोमीटर दूर खराब हुई है तो इस बार 10 किलोमीटर और आगे जाना है, और अगर पहले x था और अब 10 और जाना है तो इसका असली मतलब मुझे कितनी दूर जाना है? अब मुझे यहां पर x प्लस 10 किलोमीटर दूर जाके साइकिल को खराब करना है। अगर वो पहले x किलोमीटर दूर खराब हुई थी तो अब 10 और चले जाओ, और 10 और जाने का मतलब प्लस हो जाएगा, तो कितनी दूर चला गया? x प्लस 10 किलोमीटर दूर चला गया। अच्छा सोचो, ये 30 माइनस x कैसे आया था? मैंने आपको बताया था, पूरी की पूरी जर्नी में से इधर वाला रिजल्ट माइनस कर दो, इधर वाला आ जाएगा। भाई पूरी जर्नी में से इधर वाला माइनस कर दो, उधर वाला आ जाएगा। तो पूरी जर्नी थी 30, तो 30 में से अगर इधर वाला रिजल्ट x प्लस 10 माइनस कर दूंगा तो उधर वाला आ जाएगा। तो माइनस करते वक्त इनका साइन चेंज होगा, तो ये हो गया माइनस का x और ये हो गया माइनस का 10। 30 में से x प्लस 10 माइनस कर दो,
जिनका साइन चेंज हो जाएगा तो उधर वाला रिजल्ट आ जाएगा। अब 30 में से 10 गया तो यहां बचा 20 और पीछे से माइनस का एक्स जो है वो आपके पास एज इट इज लिखा हुआ है। ये तो डिस्टेंस वाली कहानी हो गई। अच्छा स्पीड कोई बात नहीं करी उसने स्पीड की, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ लो। इफ द ब्रेकडाउन हैड अकर्ड 10 किलोमीटर फर्दर ऑफ ही वुड हैव डन द होल जर्नी इन 4 आवर। स्पीड की कोई बात नहीं हुई तो वो पुरानी वाली स्पीड खराब होने से पहले y किलोमीटर पर आर की स्पीड और खराब होने के बाद y by 2 किलोमीटर पर आर की स्पीड। खराब होने से पहले y किलोमीटर पर आर की स्पीड और खराब होने के बाद y by 2 किलोमीटर पर आर की स्पीड। और ये पूरी कहानी करने में उसको टाइम कितना लगा? 4 घंटे का। कितना टाइम लगा? 4 घंटे का। बीच में रिपेयर करवाते वक्त जितना टाइम लगा है उसको हम लोग इग्नोर करके चलेंगे, उसने लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर लास्ट में। तो सोचो अब इस बार ये पूरा का पूरा 4 घंटे कैसे आएगा जब आप रिपेयर से पहले वाला टाइम और रिपेयर से बाद वाला टाइम प्लस करोगे तो 4 घंटे आ जाएगा। तो अगर इस बार हम डायरेक्ट करें कि बिफोर और आफ्टर वाला टाइम, रिपेयर से बिफोर और आफ्टर वाला टाइम प्लस कर देंगे तो 4 घंटे आ जाएगा। ये केस नंबर सेकंड चल रहा है आपका, कहानी दूसरी चल रही है। तो रिपेयर से खराब होने वाला पहले वाला टाइम कैसे मिलेगा? जब आप डिस्टेंस को डिवाइड करोगे स्पीड से तो खराब होने से पहले की डिस्टेंस है एक्स प्लस 10 और उसकी स्पीड है वाई। तो इसका मतलब एक्स प्लस 10 को किससे डिवाइड करना है? y से। x प्लस 10 को किससे डिवाइड करना है? y से। और खराब होने के बाद 20 माइनस एक्स है तो 20 माइनस एक्स को डिवाइड करना है स्पीड मतलब y बाई 2 से। और ये कहानी करने में उसको टोटल यहां पर 4 घंटे का टाइम लगा। एक काम करो, सबसे नीचे वाले 2 को ऊपर मल्टीप्लाई में भेजो तो x प्लस 10 अपॉन वाई प्लस 2 की 20 में होगी तो 40 माइनस 2 की x में करोगे तो 2x आ जाएगा डिवाइडेड बाय वाई और इज इक्वल टू 4, ये आ जाएगा। अब y और y का जब एलसीएम लेने जाओगे तो आपको y ही मिलेगा। ऊपर वाला रिजल्ट एज इट इज x प्लस 10 प्लस 40 माइनस 2x इज इक्वल टू 4, ये एज इट इज है। अच्छा x में से 2x गया तो माइनस का x बचेगा, 10 और 40 को प्लस करोगे तो प्लस का 50 आ जाएगा और y वहां 4 के पास भेज दो तो 4y। माइनस का x उधर जाके प्लस हो जाएगा तो x प्लस 4y, इसकी वैल्यू आपके पास 50 आ गई। x प्लस 4y की वैल्यू आपके पास 50 आ गई। अब दो इक्वेशन हमारे सामने है, एक कहानी हमारे सामने ये वाली है और एक कहानी हमारे सामने ये वाली है। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के लिए मैं डायग्राम को रफ करता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, मैं डायग्राम को थोड़ा सा रफ करता हूं क्योंकि हमें ना कैलकुलेशन करनी है तो इसको रफ करता हूं, इतना बहुत है। आइए, तो दो इक्वेशन है, एक ये वाली और एक ये वाली, इसको लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन है x प्लस 5y इज इक्वल टू 60, अगली इक्वेशन है x प्लस 4y इज इक्वल टू 50। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो xx साइन चेंज करना पड़ेगा तो x से x गया, 5y में से 4y जाएगा, y बचेगा, 60 में से 50 गया तो आपके पास 10 बचेगा तो y की वैल्यू 10 आ गई। अब y की वैल्यू 10 उठा के पुट कर दो तो x आ जाएगा, मान लीजिए मैंने यहां करा ऊपर वाले में तो x प्लस 5 इंटू में 10 इज इक्वल टू 60, ये 5 10 जा 50 होता है तो x प्लस 50 इज इक्वल टू 60, 60 में से 50 गया तो x की वैल्यू भी 10 आ गई। तो x की वैल्यू भी 10 आ रही है और y की वैल्यू भी 10 आ रही है। अब x किसका नाम था? x नाम था कि y जो आपकी साइकिल है वो कितनी दूर जाके खराब हुई है, तो आपकी साइकिल 10 किलोमीटर दूर जाके खराब हुई है। और y क्या था? स्पीड। खराब होने से पहले आप साइकिल को कितनी स्पीड से चला रहे थे? तो 10 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चला रहे थे।
कहानी समझ आई भाई? साइकिल को खराब होने से पहले आप कितनी तेज चला रहे हैं, वो वाई था, तो खराब होने से पहले आप उसको 10 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चला रहे हो, और एक्स था कि साइकिल आपकी कितनी दूर जाके खराब हुई है, तो आपकी साइकिल 10 किलोमीटर दूर जाकर ही खराब हुई है। तो दोनों आपकी जो खराब होने की डिस्टेंस है वो भी 10 है, और आपकी जो खराब होने से पहले की ओरिजिनल स्पीड है वो भी यहां पर 10 किलोमीटर पर आर है। यूनिट लिख देना 10 किलोमीटर पर आर। तो ये हमारे सामने यहां पर क्वेश्चन था। क्वेश्चन की लैंग्वेज गंदी थी, डायग्राम से उतना ही ज्यादा इजी था, जितना ये अपनी लैंग्वेज से हार्ड था उतना ही ये यहां पर डायग्राम से इजी था। तो कभी कभी हमारे सामने क्वेश्चन डायग्राम से भी हो जाते हैं। तो ये जैसा भी लगा कमेंट करके फीडबैक दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए अगर ऐसे ही डीपली चीजों को समझना है, ऐसे ही क्वेश्चंस को और करने हैं तो, क्योंकि मैं ऐसे ही क्वेश्चंस करवाता हूं। अदरवाइज कोई डाउट है तो कमेंट करके कमेंट करिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू।